खौड़ा नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां चुनाव प्रचार को लेकर भी बहुत तेजी से चल रही थी, वहीं आरक्षण को लेकर एक तरह से उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा हुआ है। और वहीं आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे, यहां खौड़ा से हरेंद्र चौधरी से मेरे साथ मौजूद हैं हरेंद्र चौधरी, और इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही थी जिसपे एकदम एकाएक ब्रेक लग गया नगरपालिका परिषद क्षेत्र में। बहुत बड़ी चुनौती है, बड़े बड़े चेहरे अखाड़े में उतरे हुए हैं, बड़ी बड़ी चेहरे और हस्तियां दांव पर लगी हुई हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे कोई घबराने की बात है या कुछ ऐसा स्थायी हो गया है कि जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और आप विश्वास मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो सरकार बनी वो कहीं ना कहीं अगड़े पिछड़े अति पिछड़े सबको मिला के बनी, सबके सहयोग से बनी है। तो हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार है वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगी। उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि जिससे सबका सम्मान रखा जा सके, और खासकर जो पिछड़े वर्ग पर रोक लगी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार से ऐसी पूरी मतलब पूरा विश्वास है ऐसा, और जरूर सबका सम्मान रखा जाएगा, पिछड़ों का भी अगलों का भी सबका सम्मान रहेगा। चलिए, ये तो बात रही आरक्षण को लेकर, बात असली मुद्दे की करते हैं जी। बहुत विचित्र मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने। सबसे बड़ी समस्या है शून्य धरातल से विकास हुआ नगर पालिका परिषद क्षेत्र का, और उस विकास में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आप कैसे इस जंग को जीत पाएंगे अगर आपको टिकट मिलता है तो, कैसे जीतेंगे? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जिसे मनुष्य ना कर सके, और जब ये जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें हम अकेले तो होंगे नहीं, सरकार हमारे साथ होगी। इतना बड़ा नगरपालिका क्षेत्र जिसकी जिम्मेदारी अगर हमें मिलती है तो आप विश्वास मानिए कि उसके लिए उतने ही बड़े संसाधन जुटाए जाएंगे, और प्राथमिकता रहेगी। मैं पहले भी मीडिया के अपने बंधुओं को बता चुका हूँ, प्राथमिकता रहेगी जल, जो संकट हमारा खोड़ा परिवार भुगत रहा है इससे जितना जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जा सके। मैं इससे पहले भी कई बार प्रयास कर चुका हूं, हमारे जल मंत्री के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, और आज तक जितने भी लोगों को हमने खोड़ा में, चाहे हमारे हाल ही में बने मंत्री नरेंद्र कश्यप जी जो मेरे गुरुदेव हैं, उनको बुलाया मैंने यहाँ, उनका स्वागत किया, उसमें भी मैंने उनसे जल का विषय रखा। राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ आए, मैंने उनके माध्यम से कार्यक्रम कराया, उसमें भी मैंने जल का मतलब जो है विषय रखा। जो भी जहाँ भी, क्योंकि हम खोड़ा को समर्पित हैं, खोड़ा के विकास के लिए समर्पित हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं को ध्यान में रख के चलते हैं और हमेशा बात करते हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो शायद जल की समस्या अब तक खत्म हो जाती, और हमारी प्राथमिकता है जल की समस्या नहीं, समस्याएं और भी है खोड़ा में जिनका निजात। और समस्याएं क्या हैं जिनका निजात होना बहुत जरूरी है? आप देख रहे हैं हमारे यहाँ स्कूलों की बहुत बड़ी कमी, पुरानी जो सरकारें रही हैं उन्होंने खोड़ा पे ध्यान नहीं दिया, खोड़ा को वोट के लिए यूज करते रहे लेकिन खोड़ा को शिक्षा के साधन नहीं दे पाए, जरूरत के हिसाब से खोड़ा को स्वास्थ्य के साधन नहीं दे पाए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि खोड़ा को पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल की सुविधा हो, पर्याप्त मात्रा में जो हमारी बहन बेटी जो बच्चे ऑटो में लटक के और बस के माध्यम से जो दिल्ली जाते हैं या आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, कम से कम बेटियों के लिए तो इंटर तक के पर्याप्त मात्रा में यहाँ स्कूल होंगे ही होंगे। बहुत बड़ी समस्या है, अस्पताल नहीं है खोड़ा में, एक सबसे बड़ी समस्या है कोरोना काल में तमाम जाने चली गई इस खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में, लोग तड़पते रहे, अस्पताल नहीं है, उनके अंतिम संस्कार के लिए लाशें कंधों पर रखकर लोग यहाँ से दूर तक जाते रहे, कहीं नाले पे, कहीं नहर पे,
कहीं गिड़गिड़ाते रहे शमशान घाट में, लाशें जलाने के लिए यहाँ खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में शमशान घाट नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। आप इस पे क्या कहेंगे? ये मैं पहले भी नगर पालिका को भी, इससे पहले भड़ाना जी जब ये थे तो उस समय भी मैंने कई बार अवगत कराने का प्रयास किया और ये हमारी प्राथमिकता में है, जरूर इस पे बहुत जल्द काम होगा। सरकार आपकी है जी, समय बीतता जा रहा है, 5 वर्ष का कार्यकाल करीब करीब पूरा हो चुका है जी, आरक्षण की वजह से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है जी। अगला सवाल आपसे है, वही समस्या है, आखिर पीड़ा है, जनता कह रही है, आखिर पानी, पानी कैसे लाएंगे आप? बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, गंगाजल कैसे लाएंगे, पीने का पानी कैसे लाएंगे आप? बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने, सरकार आपकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले आपने अभी 2 मिनट पहले बताया कि जीरो ग्राउंड से खोड़ा का विकास शुरू हुआ, तो आज खोड़ा में लाइट भी है, रोड भी है, ठीक है, सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो माननीय विधायक जी हैं, चाहे वो माननीय सांसद जी हैं, सांसद जी ने तो सांसद बनने के बाद जितना बड़ा बजट खोड़ा को दिया था शायद किसी क्षेत्र को दिया हो, और उसके बाद नगर पालिका लगातार हमारी काम कर रही है, तो विकास, आप विश्वास मानिए, जब ये सारे विकास हमने किए हैं, चाहे वो रोड का हो, लाइट का हो, ठीक है, ये सारे विकास जब हम कर रहे हैं तो पानी भी हम ही लाएंगे और जरूर लाएंगे और जल्द लाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार है, उसे डिमांड करेंगे और भारी भरकम इसमें बजट लगने वाला है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका जी, क्या उन लोगों ने इसमें जरूरत के हिसाब से नहीं मांगा? बिल्कुल मांगा होगा, और हमने भी मांगा था, उन्होंने भी मांगा था और हमने भी मांगा था, और लेकिन ये कोरोना आने की वजह से बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त रहीं, इसकी वजह से ये ब्रेक आ गया, अन्यथा अब तक पानी आ जाता, और आप विश्वास मानिए हमारी प्राथमिकता में रहेगा, पहले ही वर्ष में पानी आ जाएगा। हरेंद्र चौधरी चेयरमैन पद की उम्मीदवारी में अपना संकल्प लेके चल रहे हैं कि पानी के लिए भागीरथ बनेंगे, भागीरथ शब्द बहुत बड़ा शब्द है, आप कैसे इस भागीरथ शब्द पर खड़े उतरेंगे? देखिए, इसके लिए हमारे साथ पूरा खोड़ा का जनसमुदाय है, और कोई भी सरकार इतने बड़े जनसमुदाय को इग्नोर नहीं कर सकती, यही खोड़ा है जो अपनी भूमिका हमेशा निभाता है हर जनप्रतिनिधि के साथ, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है, उसे निभाने के लिए वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है। मैं अपनी सरकार के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पहले ही वर्ष में खोड़ा को जल मिले। आप बहुत ही सक्रिय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आप पे जी, एक बड़े संगठन की जिम्मेदारी है जी। इस जिम्मेदारी में आप कैसे नैया पार लगाएंगे कि भागीरथ आप बनेंगे? मेरा फिर सवाल है आपसे, जनता के माध्यम से सवाल है। आप एक ही सवाल कर रहे हैं और जनता क्या है, ये खोड़ा हमारा परिवार। इस सवाल को मैं नहीं कर रहा जी, यहाँ की लाखों की जनता की कराहट है, कोई कह लेता है तो कोई शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि 8 लाख रुपए का बोरिंग हो रहा है, 600 फीट से नीचे पानी जा चुका है, देखिए बड़ी समस्या है। देखिए, खोड़ा की जब जब भी जो भी पीड़ाएं रही हैं, उसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमेशा समझने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा, पहले खोड़ा हमेशा एक बार गली, मतलब जो है घर बनाया, और वो थोड़े दिन बाद ही, 2-1 वर्ष बाद ही नीचा पड़ जाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होगा कि रोड बन चुके हैं, ठीक है। तो हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपको जैसे भी विश्वास होता हो, मेरे खोड़ा परिवार की जनता को जैसे भी विश्वास होता हो, हम संकल्पित हैं कि पहले वर्ष में ही, चाहे हमें अपनी ही सरकार के सामने, ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, नहीं, हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे, उसे निभाएंगे और इस काम को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो खोड़ा परिवार है, मैं समझ सकता हूँ, एक भारी भरकम बजट से एक बड़ी हो पाता है खोड़ा में, और ये बजट
बोरिंग कराने के लिए बहुत बड़ा बजट है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत ही मध्यम परिवार से हैं, छोटे परिवार से हैं, छोटे बजट वाले लोग इस खोड़ा में निवास करते हैं। किसी का घर 25 गज का घर है, किसी का 50 गज का है, 75 गज का है, 100 गज का है, 100 से ऊपर के 200, 300, 400 गज के घर बहुत कम मिलेंगे। यानी कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खोड़ा में जो रहने वाले परिवार हैं वो बहुत ही मध्यम प्रवृत्ति के, मध्यम इनकम वाले लोग इस खोड़ा में निवास करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसको बहुत ही प्राथमिकता से ले रही है और लेगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोरोना नहीं आता तो पानी आ जाता। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पहले एक वर्ष के अंदर हम पानी लाने का काम करेंगे खोड़ा में। ये है वर्तमान में जो पार्टी है भाजपा, उसके संकल्पित नेता हैं हरेंद्र चौधरी। इनका संकल्प है कि यदि चुनाव में ये पार्टी में चुनाव में इनको टिकट मिलता है और इस चेयरमैन पद पे इनकी दावेदारी संकल्पित होती है, जनता इनका साथ देती है, इन्हीं का कहना है, अभी इन्होंने चंद सेकंड पहले कहा है, एक वर्ष में पानी को लाकर भागीरथ का सहरा अपने सिर हरेंद्र चौधरी बांधेंगे। फिर मैं पूछता हूँ, दो और बड़ी समस्या हैं, जनसंख्या बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ, अस्पताल नहीं है, सरकारी चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है यहाँ, किसी के घर में कोई ट्रेजडी हो जाती है उसके इलाज की व्यवस्था नहीं है, व्यक्ति मृत्युशैया पर लेट जाता है, उसको दफन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ शमशान घाट नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, लाखों की आबादी है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं उस दल का नेता हूँ जो कि विश्व का सबसे बड़ा दल है, मैं उस दल का नेता हूँ जिस दल में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विचारक, जन नेता, जिस दल का नेतृत्व आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो कि विकास के लिए जाने जाते हैं, जो कि देश की एक नई पहचान बनाने के लिए जाने जाते हैं विश्व में, मैं उस दल का नेता हूं, उस सूबे में मैं निवास करता हूं जिस सूबे का मुख्यमंत्री एक सन्यासी है, योगी आदित्यनाथ जी के रूप में। आप इस बात का विश्वास मानिए, ये जितने भी नाम मैंने गिनाए हैं, मैं इस सांसद के अंदर आता हूं जो कि सेना का, थल सेना का अध्यक्ष रह चुका है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही मतलब कर्मठ है। मैं उस विधानसभा में रहता हूं जो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे एशिया की सबसे ज्यादा वोटों से जीती गई सीट है। मैं आपको इन सब के कार्यों से अपने आप को जोड़ते हुए, इनकी सोच से अपने आप को जोड़ते हुए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस तर्ज पे हमारी सरकार काम कर रही है, आज पूरे देश में रोड़ों का जाल बिछा दिया हमारी सरकार ने, हमारी सरकार का लक्ष्य है हर घर को जल, हर घर पे नल, तो आप विश्वास मानिए खोड़ा दिल्ली के बिल्कुल समीप है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आपने हॉस्पिटल की बात कही, आपसे पहले ये बात हमने कह दी, आपने मतलब जो है और जो भी बात आपके मन में आती हो शमशान घाट की, उससे पहले आपको हम लेटर भी दिखा सकते हैं, उससे पहले हमने अपनी नगर पालिका को भी लेटर दिया हुआ है, रिटर्न में है, हमारे पास सारी चीजें रिटर्न में है। हम इन तारों को लेके भी, जो तारों की समस्या चल रही है बिजली की, हम इस पे भी काम कर रहे हैं लगातार। खोड़ा में कई सारी लाइनें जो है नीचे पड़ गई हैं और जिनकी वजह से कई घटनाएं। हरेंद्र जी, जो मेन मुद्दे से हम बात कर रहे हैं उसको मत भटकिए, मेन मुद्दे पे बात कीजिए, जो मुद्दा है जी। मुद्दा सिर्फ अभी जो हमारी बात चल रही है शमशान घाट को लेकर चल रही है, ठीक है। खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में लाखों की जनसंख्या है जी। इलाज नहीं है, शमशान घाट नहीं है, चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए पानी की समस्या पे तो आपने कह दिया कि हम आएंगे एक वर्ष में पानी पिलाएंगे, भागीरथ होने का सहरा आप अपने सिर बांधने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम फिर आपसे कहेंगे कि शमशान घाट और चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर आप कितने खड़े उतरेंगे। देखिए अभी पीछे भी
माननीय सांसद जी के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए यहाँ सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन एक बड़ी लाइन यहाँ से गुजर रही थी, उसकी वजह से वो काम रुक गया था। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खोड़ा में थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक, शमशान घाट के लिए भी जगह की कमी है और हॉस्पिटल के लिए भी जगह की कमी है, लेकिन हम जैसे ही जिम्मेदारी में आएंगे, चाहे हमें नोएडा से एक्वायर करनी पड़े जगह, चाहे हमें मतलब जो है दूसरे तरीके लगाने पड़े, लेकिन हम खोड़ा को सुविधाओं से पूरा एकदम लैस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस खोड़ा ने बहुत दिन, एक लंबे समय, एक ऐसी जद्दोजहद में खोड़ा जिया है, एक विश्वास में जिया है, और अब वो चीजें पूरी हो जानी चाहिए। हर व्यक्ति को एक लंबा समय बीत चुका है कि खोड़ा में कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा। पुराने जितनी भी सरकारें रही, जितने भी जनप्रतिनिधि रहे अन्य दलों के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया, विश्वास दिलाया, लेकिन हम विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम संकल्पित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि सेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब होता है सेवक, और हम जनता से ये निवेदन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सेवक, और सेवक अपना बनाए रखना, ठीक है जी, हम सेवक बनके उनका हमेशा काम करने का प्रयास करेंगे, और ये हमारा परिवार है, और इस परिवार को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो अच्छे से हमें पता है, क्योंकि हम इस खोड़ा में निवास करते हैं, हम कहीं लंदन से नहीं आए, खोड़ा में ही हमारा निवास है, लंबे समय से हमारा यहाँ निवास है। तो जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें यहाँ की हर समस्या के बारे में जानकारी है, और वो जानकारी हमने यहाँ से कोई किताबों से या पढ़ के या वैसे नहीं अर्जित किया। अगली बात पे चलते हैं, मुद्दे की तरफ चलते हैं जी, बताइए, मुद्दे की तरफ चलते हैं जी। शिक्षा को लेकर बात कर ली हमने जी, अस्पताल को लेकर बात कर ली जी, बिजली को लेकर भी आपने अपनी तरफ से जी अपनी जनता के लिए सुझाव रख दिए, ठीक है, शमशान घाट को लेकर भी बात कर दी। हम फिर आते हैं पानी की तरफ जी, बताइए, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल है, एक वर्ष का समय दे दिया जी, संकल्पित समय दे दिया, बिल्कुल दे दिया, जो कहा वो करके दिखाएंगे, यही नारा है, बिल्कुल करके दिखाएंगे, नारा आपका पब्लिक, पानी भी होगा सीवर भी होगा, पानी भी होगा और सीवर भी होगा, क्या भागीरथ आप ही बनेंगे? ये सौभाग्य अगर परमात्मा का आशीर्वाद हो जाए, आप सबका, जनता का आशीर्वाद हो जाए, पार्टी का आशीर्वाद होता है हो जाए। देखिए हमारा जो दल है उसकी रीति नीति है, इसमें अपनी मर्जी से आदमी कोई प्रत्याशी नहीं बन सकता। रुझान क्या है पानी के प्रति आपके साथ? देखिए ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर आप बता सकते हैं, अगर मैं अपने मुंह से कहूंगा तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, और जनता को विश्वास है हम पे, और आप नगर पालिका क्षेत्र में गली गली घूम रहे हैं जी, लोगों से संपर्क कर रहे हैं जी, देती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये हरेंद्र चौधरी हैं, संकल्पित नेता हैं, वर्तमान में हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि जनता अगर प्यार देती है और जनता के वादों पर जरूर खरा उतरूंगा, हरेंद्र चौधरी का कहना है, हमारे साथ हरेंद्र चौधरी की लगातार एक ही मुद्दे पर फोकस रहा है, पानी को लेकर, और इनका लगातार कहना है कि मैं संकल्प होके जनता के बीच जाता हूं, संकल्प लेके जाता हूं कि मैं पानी, अस्पताल, शमशान घाट तीनों पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। सबसे पहला फोकस आपका पानी पे ही रहेगा क्या? बिल्कुल पानी पे रहेगा, और साथ साथ में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, शिक्षा के भी संसाधनों पे और स्वास्थ्य के संसाधनों पे, शमशान घाट जैसी समस्या पे, चाहे एम्बुलेंस की समस्या हो, हमने एक अपना माइंड में एक नक्शा बना रखा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, खोड़ा के लिए कैसे कैसे काम करना है, चाहे वो लाइट की बात हो, लाइट की वजह से कोई दुर्घटना खोड़ा में ना हो, अभी पीछे एक गाय की घटना हो गई थी, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने माइंड में, विचार में है हमारे में, हमने पूरा नक्शा अपने माइंड में बना रखा है कि हमारे खोड़ा परिवार को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो पानी है, सबसे पहली प्राथमिकता पानी रहेगी, साथ ही साथ शिक्षा के जितने भी संसाधन खोड़ा में हैं
उनको पूरी तरह से बहुमजला बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो भव्य इमारत हमारे खोड़ा परिवार के बच्चों के काम आए और वो एक मतलब ऐसी इमारत है हो कि जो लंबे समय तक खोड़ा के बच्चों को उनमें शिक्षा मिल सके, आधुनिक हो सारी चीजें। तो हम ये सारी चीजें अपने मन में पहले से ही विचार बना के बैठे हैं और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि खोड़ा में अगर हमें अवसर मिला, पार्टी का आदेश हुआ, जन आदेश हमें मिला, तो हम एक यज्ञ की तरह काम करेंगे। खोड़ा में विकास का यज्ञ होगा, विकास का यज्ञ होगा या पानी को लाने का यज्ञ होगा। आप क्या रूप देंगे इसको? पानी की समस्या है, आप हमको जनता के सवालों से ना भटकाइए भाई साहब। नरेंद्र चौधरी जी, सबसे बड़ी समस्या है पानी को लेकर। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे प्राथमिकता में है ये, और इस पे पीछे ट्यूबवेलों को और इन सब चीजों को भी मतलब सम्मिलित किया गया था। सारी चीजें हुई है, टंकियों को लेकर विचार चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है। हम चाहेंगे कि बोरिंग ना करा के, कोई और तरीका ना लगा के, सीधा सीधा गंगा जल ही खोड़ा को मिलना चाहिए। वो ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि जो खोड़ा का जो नीचे का पानी है वो पीने योग्य नहीं है, और जहां कहीं कहीं तो पानी बहुत नीचा है, तो इसकी वजह से पानी जो पीने योग्य नहीं है और बहुत नीचा है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ी लागत भी लगेगी और वो परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जल स्तर नीचे जा रहा है, और जब जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाएगा तो मैं समझूंगा कि वो एक ना एक दिन बोरिंग वो भी फेल हो जाएंगे और मेरा परिवार फिर दुखी होगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि लाने के लिए आप संकल्पित हैं। मैं बिल्कुल वचनबद्ध रहूंगा और आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लें कि मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूं कि एक साल के अंदर पानी लाके दिखाएंगे आपको। ये हैं हरेंद्र चौधरी, लगातार हमारा फोकस रहा है जनता की तरफ से। खोड़ा की लाखों की जनता, 15 लाख से ऊपर आबादी है खोड़ा के अंदर, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आबादी बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम है, धरातल पे आबादी है, उस हिसाब से विकास कैसे हो पाएगा? पानी की बहुत बड़ी समस्या है, अस्पताल की समस्या है, शमशान घाट की समस्या है। हरेंद्र चौधरी जो बीजेपी से यहाँ मुख्य सिपाही हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है इनके। इनका कहना है कि पार्टी अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जनता के प्रति जो वादे करूंगा एक वर्ष में पूरे करूंगा। इन्होंने अभी कहा है, हमारे माध्यम से जनता के सामने कहा है, एक वर्ष में पीने का पानी लाने के लिए हरेंद्र चौधरी ने संकल्प लिया है कि पीने का पानी लाऊंगा, भागीरथ मैं ही बनूंगा। ये हरेंद्र चौधरी ने कहा है। कैमरामैन सत्येंद्र पर्सन के साथ मुकेश गुप्ता, समाचार 24 टीवी के लिए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।